वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो क्या हाल चाल? कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ठंड में सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड है। आज दूसरा दिन, तीसरा दिन बिल्कुल भी यहाँ पर धूप नहीं आई थी। आज यहाँ पर धूप आई है, वो भी हल्की फुल्की। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं ऊपर टेरेस पे चलती हूँ और वहीं पे अपना थोड़ा सा बिछाने का ले जाती हूँ नीचे, जिस पे मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगी। क्योंकि यहाँ पर तो मतलब अंदर तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड से मतलब बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। यहाँ पर तो आप बैठ ही नहीं सकते, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है अंदर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना मैं ऊपर चली जाती हूँ टेरेस पे और वहीं पे बैठ लेती हूँ थोड़ा बहुत। वहीं पे ही अपना जो भी थोड़ा बहुत चलने फिरने का जो मेरा शेड्यूल होता है या कुछ भी, या सोने का, मतलब यहाँ पर मुझे इतनी मज़े आती है ना मतलब सोने की यहाँ पर धूप में। तो मुझे पहले से लेकर याद आती है धूप में सोने की। सर्दियों में तो सभी को ही होगा ऐसा कि धूप में सोते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में धूप में सोना। तो जैसा कि कहीं ना मतलब वो होता है कि यार कि अब शहर में रहे हो तो अब यहाँ पर हमने कैसे, मैं परवाह नहीं मारती बिल्कुल भी नहीं। मतलब अपने गए अपने मस्त होके सो जाओ, कोई वो नहीं। तो मैं सोची थी कि आज थोड़ा सा अपना जो भगवत गीता है उसको भी धूप में पढ़ा जाए, क्योंकि ये चीज़ें तभी पढ़ी जाती है जब आपका मन होता है। तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, मतलब जब मेरा मन होता है मैं तभी उसको रीड कर लेती हूँ। तो आज भी मेरा मन हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन से धूप तो निकली नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार क्यों ना आज भगवत गीता ही पढ़ी जाए। तो ऐसे तो मैंने अभी अभी मेरी इसकी स्टार्टिंग ही है, तो देखते हैं जरा क्या क्या है इस चीज़ में लिखा। क्योंकि भगवत गीता सिर्फ मैंने सुनी ही है कि भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब जहाँ भी हम कहीं जाते हैं ना, जैसे आपके जैसे कथा वगैरह सुनते हैं तो उसमें कुछ भी कुछ ऐसी वर्डिंग हो समझाने के लिए, तो वो सीधा ये बोल देते हैं कि भगवत गीता में ये लिखा है, भगवत गीता में ये है, भगवत सेकने का धूप को। तो पर चलो जो भी है हम इसी से काम चला लेते हैं। और ये अपनी भगवत गीता को मैं यहाँ, तो पहले तो अपने फोन से यार सेटअप करूँ अब इसको, यही तो समस्या है मेरे फोन के साथ, मैं इसको सेटअप नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ इस तरह से, चलो रुको यार मैं आपको सेटअप कर लेती हूँ पहले, फिर ही मैं इसको, चलो चलो जी। तो मैं अब अपनी जो श्री भगवत गीता है अब उनको पढ़ना शुरू करूँगी। और पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मतलब इससे भी मोटी पुस्तक होगी, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखी है, क्योंकि बहुत मतलब बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं इसकी जहाँ तक मैंने सुना है। पर मुझे यही वाली मिली तो मैंने यही वाली खरीद ली, तो मेरा मन था तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। सो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर रिव्यू करती हूँ इस चीज़ का। जो यहाँ पर राइटर है श्री मदद एसी भगवत वेदांत स्वामी,
मतलब उनके द्वारा ये लिखी थे। तो अभी तक जो मैं हाल ही में जो यहाँ पर मैं पहुँची हूँ इसमें, मेरा सबसे बेस्ट चीज़ इसमें मुझे ये लगती है कि ये श्लोक इसमें लिखे गए हैं, मतलब जो भी इसमें विस्तार होता है ना पूरा श्लोक के द्वारा लिखा होता है, मतलब आप किसी की स्टोरी सुन रहे हो ना तो वो श्लोक को पहले इसमें श्लोक लिखे गए हैं, फिर उसका बीच में थोड़ा सा आपका उसका श्लोक का वर्णन किया गया। क्योंकि मुझे इतनी संस्कृत नहीं आती है, पढ़नी आती है बट उसका अर्थ मुझे नहीं पता, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें मतलब श्लोक के द्वारा ही इसमें सारा वर्णन किया गया है पूरी बुक का, जो भी मतलब इसमें अध्याय है, जितने भी अध्याय है वो श्लोक के द्वारा ही किए गए हैं। तो जो इसमें सबसे पहला अध्याय है जो मैंने अभी तक जो मैं अभी पढ़ रही हूँ वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मतलब इसमें जो कुरुक्षेत्र में जो भी कृष्ण भगवान जी के द्वारा अर्जुन जी को जो भी ज्ञान दिया गया था, या युद्ध से रिलेटेड, या महाभारत कैसे शुरू हुई, या क्या उसका जो संक्षेप इसमें सब कुछ दिया गया है, तो इस तरह से इसका जो पहला सार है मतलब वो रणभूमि से रिलेटेड है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने बचपन में जो हम रामायण देखते थे ना उसमें मतलब इतना विस्तार से नहीं दिया होता था, पर इसमें संस्कृत से जो संस्कृत में है पूरा श्लोकों के द्वारा, अगर बीच में कहीं भी आपको पता तो है कि किस तरह से इसका वर्णन किया जाता है, तो मतलब पूरा इन्होंने अच्छे से इसका निचोड़ देख के मतलब अच्छे से इजीली बहुत अच्छे से इसमें लिखा है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ना शुरू कर देती हूँ, और फिर मैंने सोचा कि चलो यार साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं कुछ पढ़ लेती हूँ देन उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना फीका धूप लगा है और अभी भी मैं लेंटर पर ही बैठी हूँ। मौसम तो बिल्कुल साफ है पर यार धूप ने मतलब हालत खराब कर दी। देखो मैं किस तरह से धूप को छू सकती हूँ सिर्फ एक उंगली से, और देखो पंछी भी ऊपर से भाग रहे हैं इसके ऊपर से, ये देखो कितना छोटू सा है मेरी मुट्ठी में भी आ जाता है आप देख सकते हो इतने जैसा। ओ भाई मच्छर भी आगे से घूम रहे हैं देखो। चलो एक हार्ट हो जाए। अब ऐसा लग रहा है ना कि अब मुझे ना नीचे जाना चाहिए क्योंकि फीका धूप हो चुका है, और मैं सोचा था कि चलो मतलब धूप में बैठ के पढ़ने का भी मज़ा आएगा मुझे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यार क्योंकि बहुत ज़्यादा फीका धूप है और मैं सिर्फ खाली एक चादर लेके आई हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे ठंडा है लेंटर, क्योंकि फीका फीका धूप लगा है तो लेंटर और बारी की तरह गर्म भी नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे चली जाती हूँ क्योंकि खुद की हेल्थ का भी मुझे ध्यान रखना है। तो चलो फिर नीचे चलते हैं, तो मैं आपको नीचे ही मिलती हूँ। देखो ये सारे के सारे ना ये बीट कर देते हैं ना ऊपर से, ये कौवे भागते हैं या कोई मतलब एक कबूतर है दूसरे वाले जो घर में रहते हैं स्लेटी जे कलर के, वो देखो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको उधर, हाँ वो मतलब इन्होंने इतना गंद मचाया ना सारे में ये बीट करके चले जाते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मुझे फिर हर रोज़ सफाई करनी पड़ती है। ये लव बर्ड्स एंटीसा क्या भी ले चलो यार चलते हैं नीचे की ओर। फाइनली मैं आ चुकी हूँ नीचे, और ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड हुई हो रही है, मतलब अब बाहर आप देख सकते हो कि अंधेरा होने वाला है, तो मैं थोड़ा जैसा कर्टन खोल के रखा है। मैं बाहर बार बार देख रही हूँ कि अंधेरा होता है, तो मैं मार्केट भी चली जाऊँगी क्योंकि मुझे शाम के लिए दही लेके आनी है, और थोड़ा सा जो डस्टबिन है वो डस्टबिन में डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टबिन इकट्ठा हो गया है। तो मेरी जो भगवद गीता की बुक है सो मैंने इसको वापस से पैक कर लिया है, और मैंने इसमें 2-3 पेजेस पढ़े, और मतलब मन को इतनी संतुष्टि मिल जाती है ना इसको पढ़ के, फिर आपका मन ना फिर वही माइंड में वही चीज़ रहती है, फिर वही चीज़ आपके माइंड में चलना शुरू हो जाती है कि अच्छा इस तरह से हुआ था कुरुक्षेत्र में, या ऐसा कुछ हुआ था जब महाभारत शुरू हुई थी, तो अच्छा इस तरह से मतलब
हुआ था, तो मतलब आप उसको इमेज करना शुरू कर देते हो, क्योंकि बेसिक चीज़ें मतलब पता नहीं होती है हमें, और जैसा हमने टीवी में देखा है उसमें मतलब उसमें उतनी डिटेल में नहीं बताते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें सारी बेसिक चीज़ें बताते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, सब कुछ। तो मतलब आप फिर सोचना शुरू कर देते हो कि नहीं, अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो मतलब पढ़ के मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, सच बताऊँ तो। फिर उस करके मैंने जितना मेरा मन था पढ़ने का उतना मैंने पढ़ा, क्योंकि इन चीज़ों में ना मतलब ज़बरदस्ती नहीं की जाती। अगर आपका मन नहीं है तो आप उसको मत पढ़ो। अगर आपका मन, जब तक आपका मन कर रहा है कि हाँ मैं इतना पढ़ सकती हूँ, तो आप वहाँ पे इनफ कर दो, छोड़ दो वहाँ पे, फिर एक्स्ट्रा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी मैं आ चुकी थी नीचे, और मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो हीटर के पास आग सेक लेते हैं। तो मतलब सच्ची बताओ ना, मुझे आग से ज़्यादा हीटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप समझ सकते हो। मतलब हीटर, आग पहले जलाओ, लकड़ी लाओ, ये करो, सो करो, वो करो, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है यार कि इतनी मेहनत, हीटर का बस बटन दबाया और इधर हीटर ऑन। चलो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 11:30 बजे से सुबह के। आज मस्त धूप लगी है, मस्त मौसम बना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपने और डी के कपड़े धोए हैं, पर यहाँ पर ना समस्या एक है कि यहाँ पर मतलब सुखाने के लिए मेरे पास ना कोई तार है ना कुछ है। तो आज ना मैंने कुछ जुगाड़ किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं सुबह से लेकर इसको लगाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कपड़े सुखाने में। और जैसे ही मतलब मैं कपड़े धोती थी ना, तो धो के कपड़ों में वाइट वाइट कलर के दाग लग जाते थे, जैसे कि मैंने अभी भी यहाँ पर डाले हैं। मैं क्या तब तक ही सूख जाएंगे जब तक ये मेरा काम हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसका जुगाड़ किया। अगर ये मतलब जुगाड़ू है तो फिर जैसे भी किया है, मैं यहाँ पर देख सकते हो यार, ये देखो मतलब किस तरह से ये यहाँ पर बांस का एक लट्ठा जैसा था, तो मैंने इसी में मतलब लोहे का जो ये शेरिया है, मैंने इसी में इस रोड को अटैच कर दिया और नीचे रस्सी मैंने बांध दी और ऊपर से इस तरह से। और पीछे आप देख सकते हो, मैंने पीछे का अंदर अपने जहाँ पर हम ऊपर आते हैं टेरेस पे, वहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। चलो अब है कपड़े सुखाने की टर्न, कि अब मैं इस पर कपड़े सुखाऊंगी। अगर ये बहुत ज़्यादा डाउन आ गया यार, तो फिर मेरी मेहनत बेकार जाएगी। पर कपड़े ख़राब होने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ पे भी इसे लगा लेती हूँ। तो चलो मैं कपड़े फटाफट से डाल लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ज़रा कैसी बनी है मेरी कपड़े सुखाने का जुगाड़, कैसा बना है। यार ये वाला जुगाड़ ना मेरा थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ये रस्सी देखो कहाँ थी ये और कितनी डाउन आ गई है। तो मैं फटाफट से दूसरी रस्सी लेके आई, और मैं सोच रही हूँ कि मतलब यहाँ से इस खम्भे के लिए इस रस्सी को बांध देती हूँ, थोड़ी सी हाइट आ जाएगी और इसको पुश भी करेगा ऊपर के लिए। तो देखती हूँ यार क्या बनता है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, और इसको ये मतलब उठा ही नहीं पा रहा ज़्यादातर इसका वेट, क्योंकि देखो जैसे मैंने 6-7 कपड़े इस पर डाले, वैसे ये रस्सी इस तरह से हो गई है, मतलब पूरी डाउन हो चुकी है। आप देख सकते हो किस तरह से डाउन हो चुका है। अभी ज़्यादा कपड़े मेरे बचे हैं, डालने को पर मैं चलो जुगाड़ बना लेती हूँ जैसे ना कैसे। सो मेरा जुगाड़ देख सकते हो।
तो ये है मेरा छोटा सा जुगाड़, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। मैं कर तो लिया है मैंने, पर अब देखना ये कि कितने टाइम तक ये टिकता है, क्योंकि एक तार थी बहुत ही ज़्यादा पतली जो अंदर से सड़ चुकी थी, तो मतलब उसका हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये बिल्कुल ही सड़ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो रस्सी से ही काम चलाते हैं, अब देखते हैं कि कितने टाइम तक टिकती है। फ़िलहाल तो जुगाड़ मेरा पक्का है। अगर आप लोगों को भी मेरा जुगाड़ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है मेरा छोटू सा प्यारा सा बैट। मतलब काम करने के बाद जो सुकून है ना भाई, सोने का तो अब मुझे लग रही है भूख, और मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ बनाया जाए। आज मैंने सारे अपने कर्टन्स खोले हैं, तो इतनी मस्त धूप बाहर से आ रही है, वो अलग बात है कि मुझे मेरे ऊपर नहीं आ रही है, शीशों में आ रही है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आज रोशनी रोशनी हो रखी है अंदर, क्योंकि मुझे रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर आज काफ़ी दिन बाद धूप लगी है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कर्टन खोले जाए। अभी जाती हूँ मैं खाना बनाने, और पीछे हम टावल देख सकते हो, और इसको ले जाना ऊपर भूल गई, और धूप में दीव का टावल लेगी सुबह का, इतने दिन से बेचारा ये बी की जगह पड़ा हुआ था। चलो यार अब खाने पीने की तैयारी करते हैं। नहाई धोई साला, क्रीम लगाने का टाइम नहीं है बाबा मुशाई को, क्रीम लगाने का टाइम ही नहीं है। यहाँ पर एकदम से क्रीम लगा के शेंकी पेंकी हो गया मुशाई। एकदम मस्त जबरदस्त हो गए हैं एकदम, वाह। और ठंडे पानी से हाथ धोए तो अंदर से हाथ फट चुके हैं, और मुंह पे इतनी मतलब खरखर की वो हो रही है ना मुंह पे, मतलब चुभ रहे हैं अपने ही हाथ। तो चलो यार भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है, तो सबसे पहले खाना खाती हूँ। सोच रही हूँ कि ऊपर टेरेस पे ही खा लेती हूँ आज, तो मैंने जुगाड़ जो किया है आज, थक तो रही हूँ बहुत ज़्यादा, पर चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ जो भी मुझे करना है। क्यों ना खुद की तारीफ खुद ही की जाए। दुनिया में सबसे गोल रोटी बनाने वाली एक ही इंसान है, वो हूँ मैं, जो कि बहुत ही गोल रोटी बनाती है। यार पता क्या है, और कोई हमारी तारीफ करता नहीं है, सब लोग सुनकाने में लगे रहते हैं कि हाँ ऐसी रोटी बनी है, अभी ऐसी रोटी बनी है, कोई तारीफ करता ही नहीं है भाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, तो चलो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। आज जो कि सब्जी बनी है वो बनी है भिंडी की सब्जी, माय फेवरेट वन। मैं बहुत ज़्यादा भिंडी खाती हूँ, तो इस टाइम पर भिंडी मिलना भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जिस साइड से मैं भिंडी लेके सब्जी लेके आती हूँ उस साइड पर तो मैंने भिंडी नहीं देखी, तो मैं दूसरी साइड पर गई थी, मैंने दीव के साथ गई थी घूमने, तो मुझे ऐसे ही वहाँ पे भिंडी देखी और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि वाह भिंडी। तो दीव ने ले लिया भिंडी,
अपना ध्यान रखती हूँ। फालतू बातें ना करते हुए मैं आपको अपनी गोल रोटी दिखाऊंगी, जो दुनिया में सबसे गोल रोटी बनाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। एक करो यार, खुद की तारीफ खुद करनी पड़ती है। हाँ थोड़ी सी जल गई है वो अलग बात है, बट है ना कोई सब लोग से निकालते हैं। अब ऐसी बनाई, अब ऐसी बनाई, तुमने घर का नक्शा बनाया, हमने वो किया वो किया। मैं खुद की तारीफ खुद करती हूँ, क्योंकि और इतना हमारी तारीफ करने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। तो इसीलिए हमेशा अपनी तारीफ करो, अपने लिए अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो। तो मेरा खाना बन चुका है यार, सर के बाल आए इसमें, मेरे ही सर के हैं और किसी के नहीं है वैसे। तो मैं खाना भी शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और आज की जो मेरी थाली है, मुझे कढ़ाई में खाना बहुत पसंद है और मैं शुरू से लेकर कढ़ाई में ही खाती हूँ। जब भी मुझे टाइम लगता है या थोड़ी सी सब्ज़ी पीछे बची होती है तो उसमें ना जो चारों साइड के जो मसाले उसमें इकट्ठे हो रहे होते हैं ना, मतलब नीचे मतलब चिपक रहे होते हैं, तो मतलब उनको कुरेद कुरेद के खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी है, पर सुनेगा कौन भाई। अब जो चीज़ पसंद है यार, उसको अब कैसे छोड़ नहीं छोड़ सकते भाई। आप भी कमेंट करके मुझे बताना क्या आपको पसंद है कढ़ाई में खाना, मतलब थाली से अच्छा तो कढ़ाई में खाना मुझे जो लगता है, और कमेंट करके बताना। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वेलकम बैक। तो आज का व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ मैं 12 बजे से, और यहाँ पर द्यू की स्क्रीनें सुबह से लेकर चली है, तो द्यू इस करके ही ऑन रखते हैं कि मैं कुछ मूवी वगैरह देखूँगी तो फिर मुझे ऑन ऑफ करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इस करके इनको ऐसे छोड़ देती हूँ, जब मेरा मन होता है तो फिर ही मैं इस पर मूवीज़ देखती हूँ। यार आज फिर से मेरे साथ इतनी मोटी क्लोल हो गई है ना, मतलब कल धूप आया था, आज धूप का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज भी मैं हीटर के पास बैठी हूँ, कल मस्त धूप लगा था, हाँ मज़े आई थी मुझे, बट आज तो वो भी नहीं है। चलो जैसा मर्जी धूप लगा था, फीका लगा था, जो मर्जी है, पर कुछ टाइम के लिए मैंने उस चीज़ को मतलब यार मतलब मज़े आ रही थी धूप सेकने की। पर पता क्या हुआ, शाम को मेरा मन, मैं सो के उठी, मतलब 2-2:30 बजे मैं सो के उठी, तो मेरा मन ना कुछ खाने का होता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाजार जाती हूँ और देखो मैं क्या लेके आई हूँ इस मौसम में। मुझे हमेशा डांट पड़ती है मम्मी और से, जब भी वो मुझसे पूछते हैं कि तू क्या खा रही है कुछ भी, क्योंकि मेरा मुंह हमेशा ही मतलब मैं चला ही रहता है, मतलब कुछ ना कुछ मैं खाती ही रहती हूँ, जो फ़ोन में बात करती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं खा ही रही होती हूँ। तो मम्मी पूछते हैं कि क्या खा रही है या कुछ भी, तो मैं यही बोलती हूँ कि बस मैं ये मतलब किन्नू खा रही हूँ या कुछ, मतलब सेब या किन्नू, दो में से एक चीज़ ही खाती हूँ मैं। तो मैं हीटर के पास बैठी हूँ, तो आज इसी के पास बैठ के आज इनका नाम नाम। तो आज कुछ खास, आज क्या स्पेशल करूँ यार, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अकेले में बोर हो जाती हूँ तो फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन ही होता है कि आप लोगों के साथ मुझे बात करनी पड़ती है। तो आज मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या करूँ, क्योंकि कल ड्यू के लिए छुट्टी है, तो हमने सोचा था कि हम कहीं घूमने जाएंगे, और लास्ट ब्लॉग में भी कुछ ऐसा हुआ कि हम ज़्यादा घूम फिर भी नहीं पाए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और कुछ मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि वो थोड़े थोड़े क्लिप जो मैंने लिए थे आप लोगों के लिए यार, वो मतलब मैं जबरदस्ती ले रही थी क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना बाई गॉड, कि मुझसे ना चला भी नहीं जा रहा था, और मतलब खाया पिया भी बस हमने ऐसे चलते चलते ही, क्योंकि मुझे फटाफट जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो मुझे फटाफट से घर आना होता है। तो फिर हमने जैसे ना कैसे मतलब आ गए थे हम घर को वापस। तो फिर ध्रुव बोलते हैं कि फिर आप मार्केट जाओगे क्यों जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उससे अच्छा ऐसा करो कि हम घर चल पड़ते हैं, कल उनकी छुट्टी है, और तो मैं कहा ठीक है हम उधर ही चल पड़ते हैं। आज कुछ भी काम करने का मन नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि
ठंड में ना यार, मतलब रजाई के ऊपर से या हीटर के सामने से या आग के सामने से उठने का मन ही नहीं करता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैं बस सुबह से लेकर मैंने नाश्ता वगैरह ध्यू को बनाया, वो ऑफिस चले गए, तो थोड़े बहुत कपड़े थे मेरे ऊपर टेरिस पे तो मतलब धोए थे आज, तो फिर मतलब कपड़े धोने के बाद मैं टेरिस पे डाल दिए। बट आज मैंने बाहर जाके मैंने ये तक नहीं देखा कि धूप लगी है कि नहीं लगी है, कपड़े बस ऊपर ही ऐसे ही मतलब धो लिए और डाल दिए मैंने ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी अभी हमें दिक्कत है क्योंकि हम नए नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, तो मतलब थोड़ा सा हमें वॉशिंग मशीन का इशू है। मतलब जैसे कि ध्यू के कपड़े होते हैं डेली इन्हें चेंज करने पड़ते हैं, डेली इनके कपड़े धोने भी पड़ते हैं, पर वो बिना वॉशिंग मशीन के आजकल बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन धूप लगेगा, दो तीन दिन हो गए धूप लगे, फिर उसके बाद मतलब फीका 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 धूप लगता है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगेगा। फिर उस करके मैं सोची कि चलो आज भी धूप, क्योंकि दो दिन से तो निकल ही रहा था धूप, तो मैंने सोचा कि चलो आज भी निकल ही जाएगा, तो मैंने कपड़े ऊपर डाल दिए। बट अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर चलो यार कोई नहीं, अब उनको जैसे भी वो कपड़े गीले खिले हैं, क्योंकि अगर हम कल घर गए तो फिर मेरे पास तो कपड़े ही नहीं, क्योंकि मैंने तो सारे कपड़े धो लिए अपने। अब देखती हूँ कि मैं क्या पहन के जाऊँगी, अब मुझे डांट भी पड़ेगी अब धीरे से कि सारे कपड़े किसने बोले आपको धोने को जब मैंने मना किया था। मैं चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या बनता है। अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। पर साफ सफाई तो झाड़ू मेरा हो गया, ऑलमोस्ट पोछा मेरा हो गया है, बस पिछली साइड को जो मैं आपको बता रही थी वीडियो में कि वो पक्षी आते हैं, छोटे छोटे भी आते हैं, बड़े बड़े कबूतर भी आते हैं, वो बाहर वाली साइड में गैलरी वाली साइड में ना बहुत मतलब बहुत गंद मचा देते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं फिर आपको किसी छोटे छोटे सदस्यों से भी मिलवाऊंगी जो कि वहाँ पर छोटे छोटे बेबीज़ भी हैं, मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे। बट अभी मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम उनको देखने चलेंगे और मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। वैसे वो बहुत सारे हैं क्योंकि वहाँ पर दो टोमियाँ हैं तो उनके अलग अलग बच्चे हैं, मतलब तीन एक के हैं और बाकी के तो बहुत सारे, वो तो काउंट भी नहीं किए जाते क्योंकि वो एक के ऊपर एक सोए हुए रहते हैं, तो मतलब मैं उनको काउंट करना मतलब नहीं काउंट कर पा रही हूँ मैं उनको। पर ये है कि वो अलग अलग रहते हैं, पर रहते दोनों एक ही जगह पे है। पर मैं चलो आपको दिखाऊंगी जब मैं पिछली साइड को साफ सफाई करने जाऊंगी, तो तब तक के लिए मैं यहाँ पर आग सेक लेती हूँ और अपना मन बनाती हूँ कि मुझे जाना है और बाहर साफ सफाई करनी है, क्योंकि वही पीछे वाली साइड मेरी बची है साफ सफाई करने के लिए, बाकी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है आज। और आज का व्लॉग इसीलिए मैंने लेट शुरू किया क्योंकि मैं सारा काम ही मतलब अपना जो जितना भी काम होता है घर का वो सारा करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, और ख़ुद के एंटरटेनमेंट के लिए, खुद को बिज़ी रखने के लिए ये भी कह सकते हो आप। तो फिर मैं बैक साइड में जब जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पर उनको छोटे छोटे बच्चों को मैं दिखाऊंगी। मतलब पहले वो इतने छोटे थे कि मतलब उनकी आईज ही नहीं खुली थी, और अब अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़े बड़े और इतने मोटे मोटे हुए ना, मतलब मुझे बच्चे कुत्तों के बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं से ही डरती हूँ। बट कोई नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी और फिर मैं उनके नाम भी रखूंगी जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। बट जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो तो पिछली मतलब पिछली साइड को तो पिछली वाली गली में जाएंगे, अगर इस वाली कहीं गली में अगर वो टॉमी के बच्चे हुए होते तो शायद वो इसी गली में घूमते, पर वो पिछली वाली गली में तो शायद वो इस गली में ना आए, पता नहीं। पर जो भी है मैं आपको लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं आग सेक लेती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। वेलकम बैक। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलो अपने पाँव में और हाथ में नेल पेंट की कारीगरी की करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने हाथ में मस्त सा डिज़ाइन डाला है। मुझे नेल आर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे भी मैं घर पर अकेली तो रहती हूँ तो कुछ ना कुछ कारीगरी कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। आपको पीछे सुनाई दे रहे होंगे कि भैया यहाँ पर सब्जी वाले नीचे आते हैं रेडी वाले, तो ये इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे शायद मेरी आवाज़ ही नहीं पहुँच रही होगी आप लोगों के पास। तो आप मेरा नेल आर्ट देख सकते हो।
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड थैंक गॉड कि बाहर ना सच में धूप आ चुका है, तो मेरा अभी भी हीटर यहाँ पे चला ही हुआ है सुबह सुबह से लेकर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और साथ ही साथ मैं मूवी देख रही थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा नेल पेंट और नेल आर्ट करके अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ आपको दिखाया जाए कि मेरा नेल आर्ट। कहा जाता है कि शादी के बाद ना ब्लैक कलर का नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए, मतलब एक मतलब अच्छी वो साइन नहीं होता है ब्लैक नेल पेंट। आप इसके अलावा कोई सा भी कलर लगाओ बट नेल पेंट ब्लैक नहीं लगाना चाहिए, बट शुरू से लेकर मेरा ब्लैक नेल पेंट ही बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए, जो मैं मानती हूँ कि मेरे लिए शुभ रहा है, तो मतलब मैं सबसे ज़्यादा इसी को ही यूज़ करती हूँ। और इसी को ही आप देख सकते हो, यही मेरा ड्रेस है, पहले नीचे ब्लैक कलर की पैंट है ऊपर और हाई नेक का मैंने स्वेटर पहना है बस। तो मुझे ये स्टार्टिंग से लेकर ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी मेरे हाथ में नेल पेंट देखते हैं तो हमेशा मुझे डांटते हैं वो कि तू नेल पेंट ब्लैक क्यों लगाती है क्यों लगाती है क्यों लगाती है। पर मुझे सच्ची बताओ, मुझे और कोई भी कलर नहीं पसंद है। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं बट मुझे कोई भी कलर पसंद नहीं आता, सिर्फ मतलब मैं और कलर भी लगा देती हूँ, आपने देखा होगा और वीडियो में, मतलब और कलर भी मेरे हाथ में होते हैं बट मैं फटाक से फिर अगर वो वीडियो में अच्छा नहीं आ रहा होता है ना तो मैं फटाफट से उसको चेंज कर लेती हूँ और वही मतलब ब्लैक कलर का वापस से लगा लेती हूँ। तो आज मेरा मन था बीच में ऐसे सिर निकालने का कि ज़रा मैं कैसी लगती हूँ, तो मैं चंपू टाइप लग रही हूँ बीच में मेरे, शायद मुझे यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो कि बीच में सीध निकालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट मतलब तो बिल्कुल आंटी टाइप वाली फीलिंग आ रही है। तो मतलब ठंड में यार कुछ भी करने का मन नहीं होता, ना आपकी स्किन केयर होती है, कुछ भी नहीं होता है भाई, कुछ भी ना नहाने का मन होता है, कुछ भी नहीं करने का मन करता है, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। और मुझे तो मतलब मेरी ये पहली सर्दी है चंडीगढ़ में, मतलब मैंने गर्मी तो मैंने काट ली है, गर्मी भी यहाँ पे बहुत ही गंदी पड़ती है और सर्दी भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदी पड़ती है, गंदी इन द सेंस की बहुत ज़्यादा इसलिए पड़ती है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे गाँव में बहुत पड़ती, तो हमारे गाँव में भी है वैसे जहाँ बर्फबारी होती, तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ पर ठंड भी होगी बट वहाँ पे आग होती है, तो मतलब आग जो से मतलब जो कहते हैं कि जो आग का मतलब जो आग का ताप होता है वो मतलब हीटर में नहीं होता है, तो हीटर आप दिन भर लगा लो और आग को आप आधे घंटे 2 घंटे सेक लो तो मतलब पूरे दिन आपकी बॉडी गर्म रहेगी। पर यहाँ पर ऐसी ठंडे कोहरा वाली कि मतलब जमा देती है आपको, मैंने लेंटर पर जो कपड़े डाले थे ना वो अभी तक मतलब उसमें ऐसा लग रहा है कि मैंने आज मतलब उस लग रहा है कि मैंने अभी मतलब जैसे मैंने अभी कपड़े धोए, मतलब मैं अभी मैंने कपड़े धोए और कल को भी वो वैसे ही मतलब दिखेंगे कि मैंने आज ही धोए हैं वो कपड़े, और अगर फिर 3-4 दिन उसको लगते सूखने के लिए, पर फाइनली अभी धूप आ चुका है तो शायद आज मेरे कपड़े सूख जाए, क्योंकि कल हम जाएंगे घर और घर हम इस करके जा रहे हैं, हमारा कोई प्लान नहीं था घर जाने का, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था घर जाने का, क्योंकि मुझे मतलब ट्रैवलिंग करना मतलब इस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस टाइम पे इन द सेंस कि मेरी हेल्थ जो है थोड़ी सी मैं वीक चल रही हूँ, हेल्थ से रिलेटेड मुझे इश्यूज हो रहे हैं, तो फिर इस करके मैं मतलब मना कर रही थी दीव को जाने को कि मुझे नहीं जाना है मुझे यहीं पे रेस्ट करना है, बट दीव ने कहा कि एक बार हम चेकअप करवा लेते हैं और तो फिर उनको भी टाइम नहीं मिलता है वैसे भी, तो फिर उन्होंने हमने सैटरडे का प्लान बनाया, बट सैटरडे का हमारा कुछ ऐसा होने वाला है कि भाई छुट्टी आ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाली वीडियो में कि मेरे भाई आर्मी में हैं, तो फिर वो भी कल छुट्टी में आ रहे हैं, अब हमारा क्या प्लान बनता है हमें खुद भी नहीं पता, क्योंकि कल हमारे कुछ घर पे यहाँ पे कुछ काम करने के लिए बचा है, मतलब प्लम्बर हमने बुलाया है, तो उनके अकॉर्डिंग अब हम कब को फ्री होंगे, कब को भैया आएंगे, मतलब बहुत सारा मतलब ऐसे हो गया, गिचपिच सा हो गया कि अब समझ ही नहीं आ रहा है,
तो हमें फिर टेस्ट वगैरह भी करवाना था अपना, मतलब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी थी हमें, ली है मतलब हमने, बट हमने अब हम मतलब वहाँ पर जाएंगे तो फिर उन्होंने टाइम दिया है हमें कि इतने बजे आपको वहाँ पर आना है, बट अब मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ पर जा भी पाएंगे क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में से ही मेरा इलाज हो रहा है जो भी अब तक हुआ है। तो अब मैं फिर मैंने दीदी को बोला कि चलो अब हम मतलब सरकारी में दिखा लेंगे। अभी दीदी को नहीं है पता कि भाई आ रहा है, सडनली अभी भाई का मैसेज आया कि मैं कल आ रहा हूँ, तो अब पता नहीं अब क्या प्लान बनेगा, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी, मतलब स्टमक से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि मुझे खड़े रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और तो फिर मैं उस करके मैं वीडियो भी कुछ भी नहीं कर पाई, मैं तो कुछ भी नहीं बना पाई, मैं चलना भी मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो उस करके फिर दीदी ने बोला कि हम टेस्ट करवा लेते हैं जो भी डॉक्टर बोलते हैं या कुछ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब खड़े रहने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब चलने में तो आप खुद ही आइडिया लगा लो, मैं थोड़ी सी भी चलती हूँ अब 15-20 मिनट ऐसी खड़ी होगी तो मतलब बहुत ज़्यादा दर्द मुझे शुरू हो जाएगी। तो उस करके फिर हमारा प्लान बना था, बट अब अभी दीदी को नहीं है पता कि भाई आ रहे हैं, अब मुझे उनको बताना पड़ेगा कि कल का अगर भाई जल्दी पहुँचते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। फिर उससे अगर हम सैटरडे को जाएंगे तो सैटरडे को ही हमको करवाना पड़ेगा, क्योंकि संडे को तो ऑफ ही होते हैं, डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं, तो कोई मतलब और कोई हमारे पास चारा ही नहीं है। तो फिर ऐसे ही हो सकता है कि अगर मैं घर गई तो मुझे वहीं पे जो हमारा हमारे घर के साथ मतलब 5 किलोमीटर आगे हॉस्पिटल है, तो मैं वहीं पे जाके अपना चेकअप करवा लूँगी। बट हम जिससे डेली मतलब जिससे हम चेकअप करवा रहे हैं, आज तक मेरा चेकअप हुआ है, जो भी मुझे डिस्क से प्रॉब्लम डिस्क मतलब पीठ से रिलेटेड सॉरी जो भी मुझे आज तक प्रॉब्लम रही, हमने सिर्फ एक ही डॉक्टर से रिकमेंड किया, तो उन्हें मेरा सारा केस का पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर हम अपना डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहते। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं सिर्फ एक ही डॉक्टर से रिकमेंड करती हूँ। तो फिर अब पता नहीं कल का क्या सिस्टम होगा, पर जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी। और बाकी कुछ भी नहीं, बाकी फिर देखते हैं कल का रूटीन, कल का जो भी होगा। अभी तो मैं आपको पिछली बैक साइड जो मैंने आपको बोला था कि बैक साइड लेके जाऊंगी, वहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे पप्पीज़ हैं, मतलब इतने प्यारे हैं ना, और ठंड में मतलब उनके ऊपर मतलब धूप भी आती है तो उनके ऊपर छाँव आती है हमारे लेंटर की, तो उनके लिए धूप नहीं आती वहाँ पे, तो वो बेचारे एक के ऊपर एक सोए रहते, एक के ऊपर एक सोए रहते, इतना सारा, पर तीन बच्चे ना उनको ठंड ज़्यादा लग जाती है क्योंकि अरे पैसे ठंड आती है, पर जो दूसरी साइड को बहुत सारे बच्चे हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे फिर उनसे हीट भी पैदा हो जाती है तो फिर इतनी उनको ठंड नहीं लगती है। तो मैं चलो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट है, आप देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। मुझे पपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पपीज़ पसंद है कि नहीं है, क्योंकि मुझे अगर दिन भर के लिए अगर वो सारे पपीज़ मैं अपने पास भी लेके आऊँ तो मैं उनकी अच्छे से केयर कर सकती हूँ। और मेरे मायके में पापा ने दो फीमेल और मेल लेके आए हैं, तो उनको मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा शरारती हो, बहुत 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 ज़्यादा, और मतलब मेरा पूरा दिन तो मतलब मैं ऐसे बोर हो जाती हूँ, ऐसे तो मैं बोर ही नहीं होती क्योंकि देखो यहाँ पर भी मैं मतलब अकेले ही रहती हूँ, तो फिर मैं वहाँ पर तो और लोग भी होते बात करने के लिए, बट मैं पूरा दिन उनके साथ ही बिताती हूँ वहाँ पर जाके। तो मैं उन लोगों से भी अगर हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उन लोगों से भी मतलब उन बच्चों से भी मैं आपको मिलवाऊँगी, जिनका नाम जो फीमेल है उसका नाम डेजी हमने रखा है और जो मेल है हमने उसका नाम पैंथर रखा है। तो ये दोनों नेम हमने मैंने और दीव ने ही मतलब पैंथर तो हमारा पहले से ही डिसाइड था जिस टाइम उनको लेके भी नहीं आए थे, और डेजी को तो हम ऐसे लेके आए थे कि चलो मतलब साथ के लिए बड़े हो जाएंगे दोनों, तो उस करके उन्होंने एक के साथ एक फ्री दे दिया हमें। और मतलब दोनों जो डेजी है ना आप उससे मिलोगे ना मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और स्टार्टिंग से लेकर बहुत डरी सहमी जैसी रहती है वो, और जो पैंथर है ना उफ भाई
वो एकदम ढीट है, ढीठ जिसको बोल सकते हैं। पर चलो अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक मैं आपको उनको दिखाऊंगी नहीं, जब तक आपको फिर आपको कैसे पता चलेगा उनका कि वो कैसे क्या है। अभी तो मैं यहाँ के लोकल डॉग की आपको दिखाती हूँ, चलो लेट्स गो। सो लेट्स गो, मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर की जो बैक साइड है वहाँ पर छोटे छोटे पपीज जो कि मैंने आपको बताया था। चलो मैं उनको ही दिखा लेती हूँ आज आपको। अक्ष बक्ष ने टक्ष, ये थोड़ा सा वो था। अभी देखना ये चिल्ला रहे हैं। अरे वाह, इनकी मम्मा आई हुई है और इसने तो चार डॉग गिलाए हुए हैं। देखो दिखाती हूँ मैं, ये लो जी, ये है इनकी मम्मा जो कि आज चार डॉग लग रही है। एक इस वाली साइड को आए हुए तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओले बाबू, कितने प्यारे प्यारे हैं। तो ये एक ये वाले इस टॉमी के हैं, ये भाई ये दो तीन मतलब इसके तीन होते हैं, बड़ा ये चौथा चुरा के लेके आइए। तो देख सकते हो अब यहाँ पे ये कुत्ता वापस जा रहा है, ये कुत्ता वापस, अभी देखना कहाँ कहाँ जाएगा ये। ये देखो कहाँ जा रहा है ये बेचारा, ये अब इसको पता नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। बट दूसरी मम्मा राइट देयर ये है जो कि अपने बच्चों को भी फीड करवा रही है। और ब्लैक वाला ना इनसे सबसे यूनिक है और इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये तीसरी कुत्ती का बच्चा है। इन दोनों ने, इस वाली ने और इस वाली कुत्ती ने, जो ये ब्लैक वाला है ना, इसके भाई बहन खाए हैं इसने, इन दोनों ने सॉरी। और सिर्फ एक ही बची है इनके मम्मा की, ये तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब पता नहीं अभी ये कहाँ जा रही है इनको छोड़ के। अब तो ये पप्पी जितने बड़े हो गए कि उन्होंने देखना शुरू कर दिया है, तो इनको पता है कि इनकी मम्मी अभी कहाँ जाएगी। तो अभी देखना वो छोटे वाला पप्पी जो है अभी उसके लिए क्या करेगी, अभी देखना। पता नहीं क्या है, मुझे तो इनका समझ ही नहीं आता है। वैसे छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं ये दूसरी। एक ब्लैक कलर की डॉगी थी, अब वो तो यहाँ पे नहीं रहती है। कुछ टाइम तक वो यहाँ पे रही पर जब तक उसको रियलाइज़ नहीं हुआ। पर ये ब्लैक वाला टॉमी बेचारा ये बच गया है, मतलब इतने सारे पपीज थे उसमें से सिर्फ ये एक ही बचा है। तो अब तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप, इनकी आइज खुल चुकी है और अभी सारे में यहाँ पे तांडव करेंगी। किस जगह पे इन्होंने बच्चे दिए हुए, ये देखो, मतलब इधर मतलब पूरा इसने घास ही घास है। मुझे भी नहीं पता कौन से पेड़ है ये, पर वो किसी टाइम इनको कोरोना कोरोना कहते थे, जो ये पेड़ शायद आपके भी लगते होंगे। तो इसमें मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो इस कोरोना जिसके इसमें जो छोटे छोटे इसमें फ्रूट जैसे लगे हैं छोटे से, उसको हमने कोरोना का नाम दिया था, मतलब सभी ने दिया था, मतलब ट्रेंड चला था, मीम्स वगैरह चली थी फेसबुक पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये वाले बेचारे ये देखो वापस आ गया, ये इनके बीच कितने प्यारे होते ना यार ये, वाह। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैं इनकी स्टोरी आपको बताती हूँ। पहले जब मैंने इनको देखा था तो मेरे सामने एक ब्लैक कलर की टॉमी थी, उसने बेबी दिए हुए थे। मतलब ये दो जो यहाँ पर अभी दो जो टॉमियाँ हैं यहाँ पर, इन्होंने ऑलरेडी ये बच्चे दे चुकी थी, पर एक तीसरी कुत्ती थी जो कि अब यहाँ पर नहीं है, उसने बेबी अपने दे दिए थे। मतलब उसी टाइम मैंने पता नहीं मैं किस करके बाहर गई थी इस वाली साइड को, तो फिर मैंने उसको देखा था जब उसने अपने बच्चे दिए थे। तो बच्चे दिए थे बेचारी, मतलब वो शरीफ जैसी है, पतली सी, ये दोनों मोटी है बहुत ज़्यादा मोटी, तो क्या मतलब ये खाने जैसे पड़ती है। तो फिर वो ना उस करके मतलब कुछ बोलती नहीं थी बेचारी, सच्ची बताओ वो कुछ भी नहीं बोलती थी वो, और मतलब उसके सारे बच्चे खा लिए। जो अभी आप देख रहे हो ना सिर्फ ब्लैक कलर का जो मैंने आपको बताया, वो ब्लैक कलर का
ही बचा है सिर्फ उसका, सिर्फ एक ब्लैक कलर का, मतलब मेरे सामने जब उसने चबाया ना यार, मतलब मैंने ध्यू को बोला, मैं कहती हूँ ऐसा सा, मैं कह यहाँ पे तीन टोमियाँ हैं, मैं कहूँ उन्होंने बच्चे दिए हैं अपने, और मैं क्या इस तरह से मेरे जो दो है वो दूसरी टोमियाँ हैं उन्होंने उसके बच्चे खा लिए, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत, मतलब वो आई थिंक से 8-10 ऐसे कुछ बच्चे थे उसमें, से सिर्फ एक ये ब्लैक वाला ही बच्चा है। और फिर मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैं फिर उसको रोटी दे दी थी बेचारी को, पर जब इन दोनों जो अभी रिसेंटली जो यहाँ पर ये दोनों टोमियाँ हैं इनको भूख लगती थी ना उस टाइम, क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे थे, आँख तो नहीं खुली हुई थी, तो फिर वो ना उनको ले जाते थे। और फिर एक दिन ऐसा हो कि ये चिल्लाने लगी, जैसे भौंकती है ये पहले उसको उठाने के लिए या कुछ भी, तो मेरे इतनी जोर से भौंक रही थी, मैं सोची यार पता नहीं क्यों भौंक रही थी। जब उसने मेरे सामने उसका कुत्ता उठाया, मैं सोचा कि चलो कईयों को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं अपने पपीज़, प्यारे होते हैं दूसरों के भी पपीज़ बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, मैंने इस करके उस चीज़ को लिया। और जब उसने उसको मतलब खाया ना, मुझे ऐसा लगा कि भगवान यार, मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है, तो मुझे बहुत गंदा लगा। फिर मैं उसको रोटियाँ देती थी कि चल ठीक है यार थोड़ी सी, अगर मैं जितना कर सकती हूँ, मैं कहा मैं उतना कर लेती हूँ, कि क्या पता फिर ये ना खाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ भाई यहाँ के तो मैंने पशु और कुत्ते ऐसे देखे ना भाई गॉड, मतलब अगर उनके पास खाना दो ना, आप कुछ भी उनको दो, वो नहीं खाते, मतलब वो खाएंगे ही नहीं। और जो कचरा लोग फेंकते हैं ना सड़क के दूसरी साइड या कुछ भी, तो उसको जाके खाते हैं वो, मतलब उसको पता नहीं उनको ऐसा क्या है, पर लोग भी ऐसे हैं ना कि पूरी सड़क के साइड उन्होंने सारे में कचरा फेंका होता है। और फिर उन्हीं गाय का वो दूध, उनके दूध पीते अपने घरों में, जो कचरा वो फेंकते हैं वो खाते हैं, और वही मतलब वही उन्हीं का ही वो दूध पीते हैं। अब आप आइडिया लगा लो कि शहरों के ये बहुत ही बुरे हाल है। मैं साउथ की मूवी देख रही थी यार, वो इसके साथ कनेक्ट हो गया होगा, तो फिर एकदम से चल पड़ा ये, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब शहरों में ना बहुत बुरे हाल है, गाँव में बहुत अच्छा है यार, मतलब प्योर सब कुछ, शुद्ध देसी हर चीज़, मतलब प्योर है, मतलब पानी का देख लो इधर यार, पानी की भी बड़ी समस्या रहती है। शुरू शुरू में जब मैं आई थी ना यहाँ पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो मतलब पानी मुझे हज़म ही नहीं होता था यहाँ का, मुझे कब्ज़ होने शुरू हो जाती थी। तो फिर हमें ना बाहर से पानी दियो स्पेशल मेले बाहर से पानी लेके आते थे, बट फिर धीरे 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 फिर मतलब स्मेल जैसी लगती थी इसका, यहाँ के पानी की स्मेल जैसी लगती थी, पर फिर मगर यार कब तक लेके आओगे खरीद के, अब जब रहना यही है तो ऑफकोर्स पीना तो पड़ेगा ही ना यहाँ का पानी, तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुझे बहुत दिक्कत आई। चलो मैं कहाँ से कहाँ तक टॉपिक लेगी, बट ये स्टोरी थी यार इनकी, और मैं मतलब देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान रही कि यार एक माँ होकर भी कैसे अपने बच्चे को खा सकती है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। मतलब मैं जब फिर मैं ना एकदम से जैसे मैंने उसको देखा ना, फिर मैंने रोटी भी नहीं खा पाई, मैंने ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही रह गई, मतलब देखती रही यार कि भगवान ऐसा कैसे। फिर काफ़ी दिन तक मैं उनको देखने नहीं गई, फिर वो शाम को चिल्लाते थे, फिर मुझे यही एहसास होता था कि यार कहीं जुए तो नहीं पड़ गई, यहाँ मैंने बाल नहलाने को आए हुए, और काफ़ी दिन से मैंने बाल नहीं नहलाए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि धूप नहीं निकली है ऑफकोर्स, तो उस करके यार मैं फिर मेरे को दया भी बहुत लगती थी, फिर मैं उसको अगर उसको रोटी देती थी, और मतलब उस टॉमी ने जो ब्लैक वाली की जिसके पपी है एक बच्चा हुआ, मतलब उसकी जो मम्मा है वो मतलब 6-7 दिन तक आई थिंक बिना कुछ खाए पिए अपने बच्चों के पास ही रही थी, तो मैंने खुद उसको मतलब मैं उसको खुद देखती थी कि अभी भी नहीं गई अभी, मतलब हर दिन, मतलब शुरू शुरू में जब उसका वो इंसिडेंट हुआ, जब उसके बच्चे खाए, तो मैं उसको मन मेरा वहीं पे ही रहता था कि पता नहीं अब कुछ ऐसा हो जाएगा या इसके बच्चे फिर से खा लेंगे, अगर मैं देख लूँगी तो फिर शायद ना खाए डर के मारे ऐसा कुछ। पर वो उन दोनों ने ये रूटीन बना लिया था कि जैसे ही मैं वहाँ से हट जाऊँ, मेरी नज़र हट जाए, फिर वो फटाक से उस पर अटैक कर लेते थे, पता नहीं है इनका क्या सिस्टम है। बट सच्ची बताऊँ, धूप बहुत मस्त लगी है, तो मेरा मन ऊपर टेरेस पर जाने का कर रहा है, और जो मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं 2 दिन से, वो अभी तक नहीं सूखे हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है,
कल के लिए कपड़े ध्यू के पास थोड़े बहुत ध्यू के पास है मैंने, क्योंकि उनके कम ही कपड़े धोए क्योंकि उन्होंने मुझे मना ही किया था कि मत ही धोना मेरी माँ, बट मैंने धो दिए। और अब मेरे कपड़ों की फंसी पड़ी है कि अब सूखेंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे घर में पहनने के लिए तो मेरे पास सच्ची में कुछ नहीं, क्योंकि सारे कपड़े मेरे धोने को थे। अब टेरेस पे जाना ही पड़ेगा मुझे ऊपर, थोड़े बहुत मैं सुबह से लेकर अपने रूम में ही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर टेरेस पे जाती हूँ, थोड़े बहुत अपने आपको आसपास का व्यू भी दिखाती हूँ और अपने कपड़ों को भी देखती हूँ कि वो कहाँ तक सूखे, कल के लायक ले जाने लायक है कि नहीं है, कि पता चला कि मुझे दरवाजे पे लटकाना पड़ रहा है उनको, जैसे कि मैंने टावल लटकाया था तो इसी तरह से लटकाने पड़ते हैं यार, बहुत ज़्यादा वो मतलब इशू हो जाता है इस टाइम पे, मतलब सर्दियों के टाइम पे, और आगे बरसात के बाद का जो मतलब बरसात टाइम का जो टाइम है उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम चली रहती है यहाँ पे, और उस टाइम तो गांव में भी ऐसा ही होता है। चलो हम चलते हैं ऊपर टेरिस पे, मैं आपको वहाँ से अपने आसपास का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। अगर मैं इवनिंग वॉक पे जाती हूँ तो मैं आपको वहाँ का व्यू भी शेयर करूँगी, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर पा रही हूँ, ज़्यादा चल नहीं पा रही हूँ, तो कल का तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल तो बहुत ज़रूरी जाना है। और भाई से भी मेरी बात हो चुकी है, वो 4 या 5 शाम के 4-5 बजे वो यहाँ पर पहुँचेंगे, तब तक हम तो निकल जाएंगे यहाँ से घर को, तो बाकी का जो भी बनता है प्लान मैं ड्यू से डिस्कस करूँगी और फिर आप लोगों के साथ भी मैं डिस्कस करूँगी जो भी हमारा रूटीन वाइज जो भी हमारा रूटीन बनेगा कल का। एंड अभी चलते हैं हम ऊपर टेरेस पे, हम भी कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, मूड में चला है कि माँ कुछ खा लो, भाई हम भी कुछ खा लेते हैं। माँ तो लेटी हुई है, इन्होंने तो फुल टू अपने रोल निभाना है, भाई हमको तो खाना है। और खाने में आज क्या बना है हमारे, ये है आलू और गोभी की सब्जी जो कि गोभी से निकली है, तो मैं ना फटाफट से इसे बैठ कर लेती हूँ, आज नहीं खाएगा बाबा मुशाई, ओह आज नहीं खाएंगे यार, नहीं आटा भी गूंदने को है, ओ माय गॉड, नहीं मेरा फोन, यार मेरा फोन आज मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो यार मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ ठंडे पानी से, मुझे जो कि नहीं गूंदना भाई, ये बार बार मेरा फोन ना मतलब ये बोल रहा है कि बहन मुझे ढंग से रख ले, कहीं मैं गिर जाऊं तो फिर तेरा सॉलिड खर्चा हो जाएगा। चलो फिर फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ। अगर सच्ची बताऊँ ना, मेरे हाथ में इतनी पावर होती ना, तो मैं जादू से एकदम से अपने लिए खाना बना लेती। यार सर्दियों में खाना बनाने का ना आलस लगता है बहुत ज़्यादा। अब जो ये सब्जी जो मैंने बनाई है सुबह, अब पूरी शाम चलेगी अगर तब भी कुछ बची ना, आजकल ऐसे खाना तो ख़त्म नहीं होता, सॉरी ख़राब नहीं होता है, ख़त्म तो हो जाता है यार, अग नहीं हुआ तो मैं सुबह इसके परांठे बनाऊंगी, सुबह आप लोगों को मैं परांठे खिलाऊंगी। वैसे परोंठे मेरे फेवरेट होते हैं, और अगर देखना पड़ेगा कि कितनी वो बचती है वापस सब्जी, नहीं तो उसी से काम चला लेंगे। वैसे तो घ्यू तो आजकल बेचारे डाइटिंग पे, मैं ही डाइट फॉलो कर रही हूँ आजकल फुल, क्योंकि मैं कितनी दुबली पतली हूँ ना, इतनी पतली हो गई कि अब क्या बताऊँ, तो मुझे डॉक्टर ने फुल टू डाइट बोली है खाने को। मजाक करिए यार, ऐसा कुछ भी नहीं है,
लास्ट टाइम हमने न्यू ईयर पे जब हम घूमने गए थे फिर ही मैंने अपना वेट चेक किया था, और मतलब वेट चेक किया तो किया पर जब देखा ना तो फिर मैं तो हैरानी होगी भाई कि मैं सोचा कि यार मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा, मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा। तो मैं खाने पर अपनी डाइट बहुत ज़्यादा कर ली थी मैंने कि चलो मेरा वेट बढ़ जाएगा, और 15-20 दिन में मैंने इतना ज़्यादा अपना वेट गेन कर लिया ना कि मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता। मतलब मुझे महीना होने को आया है इधर, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैंने एक महीने में अपना 14 केजी मैंने अपना वेट बढ़ाया है। अब मैं बताऊंगी नहीं आप लोगों को कि कितना है, बट मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा वेट कितना हो सकता है। तो सर्दियों में मेरी काम चोरी की हद हो जाती है, अगर आपको बता दें मैं आटा किसमें गूंथती हूँ ये वाला बाउल है ना, फटाफट से इसमें गूंदा जाता है यार, जो आटा गूंदने वाली जो प्लेट है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है यार, कौन धोए भाई इतनी ठंड में। तो मैं फटाफट से चपाती लगा लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। और अगर अभी मैं आपको टाइम बताऊँ ना तो अभी पता क्या टाइम हुआ है, अभी टाइम हुआ है शाम के 4 बज रहे और मेरा खाना अब जाके बन रहा है। मतलब मेरा खाने पीने का कोई रूटीन ही नहीं है क्योंकि सुबह घी के साथ मैं नाश्ता कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद दिन में मैं फ्रूट खा लेती हूँ। इस टाइम मुझे भूख लगती है तो मैं इस टाइम खा लेती हूँ। डाइट का मैं बहुत ज़्यादा खुद का मतलब डाइट फॉलो करती हूँ और खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, रखना भी चाहिए यार, रखना भी चाहिए अपना ध्यान। जब आप अपना ध्यान रखोगे तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे, वैसे ये मेरा मानना है। फालतू का ज्ञान आपको कोई नहीं देगा मेरे अलावा, मैं ही दे सकती हूँ सिर्फ ज्ञान। तो चलो फटाफट से फालतू का ज्ञान बंद करते हुए बनाती हूँ फटाफट खाना। भूख लग रही है भाई जी, बहुत ज़्यादा भूख से लगी है। चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में ये बोल बोल के मैं हर 2 मिनट बाद आ रही हूँ आपके पास, देख लो। और शिमला मिर्च तो ये मेरी ख़राब हो जाएगी, इसको तो मेरे को कहाँ रखना पड़ेगा, पर ये फ्रिज में, क्योंकि मैं तो नहीं रहूँगी घर पे, मैं आऊँगी आई थिंक कब आऊँगी मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कब आऊँ, बट जब भी आऊँ तब तक ये ख़राब ही हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। खीरे तो चलो मैं खा लूँगी इसको, खीरे का तो कोई सीन ही नहीं है, खीरे के बगैर तो अपनी बनती ही नहीं है ना बात, खीरा तो मैं खा लूँगी। चलो फटाफट से खाना बना लेती हूँ, बट आज आपको मैं गोल रोटी नहीं बताऊँगी, गोल रोटियाँ सिर्फ दुनिया में मैं ही बनाती हूँ जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया। अपनी तारीफ खुद ही करनी होती है। चलो यार ठीक है, मैंने गोलियाँ कर दी हैं, फटाफट 5 मिनट में देख लो आप, फटाफट से आटा गूंद लिया, गोलियां बना दी, बस 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। शैतान के गुणा यूरोपियन मोटर क्लब का बैड इन्फ्लुएंस, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ उसे इज्जत देते हैं जिसके पास कामयाबी और पैसा है। सुनना भी डायलॉग शासन, अब तक कर क्या रहे थे तुम? सर मैं पूछताछी कर रहा था। कहाँ? अफ्रीका में? रिपोर्ट कर दो इस केस को, फिर से तुम ही इन्वेस्टिगेट करो।
मुबारक हो किसी भी समय। क्या मस्त रोल है भाई। My favorite hero, Sao. Bye. अब दिखाते हैं यार। ये देखो वन साइड से। यार सच्ची बताओ ना, साउथ वालों का पता क्या सिस्टम है, मतलब जैसे हॉलीवुड की मूवी होती है, सॉरी बॉलीवुड की मूवीज़ होती है, तो हॉलीवुड की भी चलो, उनके नाम बहुत अच्छे रखते हैं, बट साउथ मूवी का कुछ अलग ही सिस्टम है। इन्होंने पता क्या नाम रखा है इस मूवी का? यार मतलब बोल रहे, मतलब सभी से यारी इसको कैसे कैसे बोलूं इसको। एक मतलब एक हिंट देती हूँ आपको यार, एक चाकू होता है हमारी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक चाकू होता है लंबा जैसा होता है, तो वो मतलब वो इस नाम को सुन के मेरे को वही याद आया, खुखरी। यार ये खुखरी मतलब कैसी मूवी है यार, हर कुछ ही नाम रख देते हैं ये मूवी का, मतलब इनके जो नाम होते हैं ना, कई बार मैं बहुत ज़्यादा साउथ की मूवीज़ देखती हूँ, तो मतलब कई मेरे से पूछते हैं, जैसे मैं कोई अगर बीच में मेरे को फ़ोन आ जाए कुछ भी, तो क्या करिए, तो मैं बता देती हूँ कि हाँ मैं मूवीज़ देख लूँ, फिर जब वो बोलते हैं ना कि कौन सी मूवी, यार बताने में भी बड़ा वो लगता है कि यार, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर जौन सी भी मूवी आती है मैं उस पर क्लिक कर लेती हूँ और बस छुट्टी, तभी नई मूवी आई है आई थिंक से, ये लिखा तो उसमें यही है 24 में, मतलब 24 अभी शुरू हुआ नहीं, बट साउथ वालों का एक दूसरा सिस्टम भी है कि इनके जो हीरो होते हैं इसमें, उनके नाम भाई उनको मतलब मुझे तो नहीं आते समझ में यार, अभी देखना मैं मूवी का मतलब इसमें जो एक्शन सॉरी जिसमें हीरो प्ले कर रहे हैं रोल कर रहे हैं, अभी उनके नाम पता करती हूँ मैं। भाई इनको पढ़ना ना, साउथ मूवी के जो हीरो है ना उनके नाम सुनोगे ना भाई आप तो मतलब बहुत ही खतरनाक नाम रखते हैं अपने। एक तो है राम पोथिनी राम पोथिनी, एंड दूसरा है नयनतारा, चलो ये तो चलो ठीक है, तब मतलब इतने खतरनाक हीरोज़ के नाम होते हैं भाई, मुझ जैसा लोगों को पढ़ने में दिक्कत आती है वैसे। और खुखरी हीरो के मतलब मूवी का नाम खुखरी, चलो मेरा खाना पीना हो चुका है, और अगर अभी मैं दिखाऊँ ना आपको कि अपने आसपास मैंने कितनी गंदगी कर रखी है खाना पीना में, आज तो यार मैंने प्लेट में खाया है, ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं बोल सकते कि मैं डेली खाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब्जी बहुत ज़्यादा है तो सुबह तक ही बच जाएगी, तो ये देख सकते हो, इतना खाने के बाद भी इंसान को भूख लगती है यार, इसमें है क्या खाने को, पानी तो है, क्योंकि दिन में मैंने इसको खाया था, क्योंकि मैंने दिन को खाना नहीं खाया था, सुबह खाया था मैंने 9:30 बजे, हाँ उसके बाद मैं अब जाके खा ली, क्योंकि बीच में मैं फ्रूट लेती हूँ। चलो मेरा
अच्छा यार टेरिस पे भी जाना है, कपड़े ही देखती हूँ जरा कितने सूखे हैं वो। फटाफट से बर्तन शर्तन धो लेती हूँ। टेरिस पर चलते फिर आपको व्यू दिखाती हूँ फिर आसपास का। अच्छा बनना पड़ता है हर आप लोगों के सामने, मतलब अगर मैं इस तरह से खुद को झल्ली होके दिखाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा। ऐसे ही चलेगा। अच्छा अच्छा मैंने पता है बट मैं जा रही हूँ, आपको मैंने बोला था कि मैं टेरेस पे जा रही हूँ। तो अभी यहाँ पर हमने ग्रिल नहीं लगाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ही टाइम हमें यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर वेरी केयरफुली चलना पड़ता है, ध्यान हटा और मैं सीधी नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। मुझे कोई ढूंढने भी नहीं आएगा यहाँ पे, पड़ोसी है पर जब तक पड़ोसी आएंगे भाई तब तक तो धूप जा चुका है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हो बट यहाँ से नहीं दिखाऊंगी आज मैं। तार पे सारे कपड़े लटके हैं, लग रहा है कि सूखे हैं, लग रहा है वैसे आज तो सूख गए हैं। हल्की फुल्की कसर है इसमें पर चलो कोई नहीं, इनको मैं नीचे लटका लूँगी और फैन चला लूँगी, सूख के जाएंगे यार। जब तक भी वापस आएंगे या हम ऊपर से वापस आएंगे तब तक तो सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पर सामने चल रहा है घर का काम, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सामने घर का काम चल रहा है और आप सूरज को देख सकते हैं। अरे इस करके ना आ नहीं रहा है, चलो मैं ना बैक कैमरा करती हूँ, मैं फ्रंट से ही सस्ते मार सस्ते में निपटा रही हूँ। पर चलो ऐसे भी अच्छा दिख रहा है। वाह वाह, मतलब आपको इस टाइम ऐसा लग रहा है कि चांद निकल आया। ये बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा मुंडी अपनी पहन के लिए थी, बहुत ज़्यादा मतलब डार्क दिखाई दे रहा है ये, मतलब इसमें नहीं दिखाई दे रहा बट अगर ऐसे ही आप देखोगे तो बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। मतलब धूप जा चुका है, मतलब सूरज ही सूरज यहाँ पर दिख रहा है बट ठंड हो चुकी है। तो मैं अपने कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर नीचे चल पड़ते हैं। पर अभी मैं थोड़ा बहुत आपको अपने आसपास का व्यू दिखाऊंगी जो कि इस तरह से दिखता है, जो कि आप देख सकते हो। ये है हमारे चारों साइड का व्यू। आज पता नहीं सड़क में कहाँ से पानी आ रहा है। वाह यार मतलब क्या खतरनाक यहाँ पर सीनरी बनी है पीछे, मस्त। वाह मज़े आ गए यार। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छा ले पाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो मेरी शूट मैं जो करती हूँ मैं अपने रूम में अंदर ही करती हूँ। और सर्दियों का टाइम है, ऊपर से लेज़ीपन आ जाता है कि उस ठंड में कौन जाए क्या है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बट आप लोग मुझे बताना कि क्या आपका मन करता है सर्दियों में बाहर निकलने का, घूमने फिरने का। और अगर धूप ना आए तो मतलब धूप में तो ऑफकोर्स मैं बाहर निकलती हूँ बट अगर धूप ना आए तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी अच्छी सीनरी बनी है। वाह यार बट चलो आज की वीडियो बस इतनी, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट।